हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को मेडिकल नर्सिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और चलिए शुरू करते हैं। इस पहला प्रश्न है, प्रसव की तृतीय अवस्था की समान अवधि कितनी होती है, मतलब जो थर्ड स्टेज होता है लेबर का वह समान कितना होता है। तो 15 से 30 मिनट जो है समान माना जाता है तृतीय अवस्था को। तो 15 इज द राइट आंसर, 15 मिनट। आगे है, दूसरा है, कहता है समान प्रसर्व को क्या कहते हैं, मतलब नॉर्मल तरीके से डिलीवरी होने को हम लोग क्या कहते हैं, यूटोसिया, डिस्टोसिया, ट्रू लेबर, एस्पुरियस लेबर। तो एटोसिया जो है समान लेबर को, नॉर्मल लेबर को यूटोसिया कहा जाता है। तीसरा है, कहता है गर्भाशय के भीतरी परत को क्या कहते हैं, मायोमेट्रियम, समझ लीजिए तीनों परत, मायोमेट्रियम होगा तो यह जो है मध्यम परत होगा, मीडियम परत, पेरीमेट्रियम होगा तो यह बाह्य परत होगा, ठीक है। मायोकार्डियम होगा, देख लीजिए मायोकार्डियम है, कार्डियम जब भी आ जाएगा तो यह कार्डियो से रिलेटेड हो जाएगा, कार्डियक से, जो कि आपके हार्ट से रिलेटेड है। तो हार्ट का मध्यम परत मायोकार्डियम, ठीक है। एंडोमेट्रियम जो है आपके आंतरिक परत होते हैं यूट्रस के, तो भीतरी परत ही पूछ रहा है, तो भीतरी परत का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, जबकि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दिया है, यह गलत दिया है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। ऑप्शन नंबर जो है एंडोमेट्रियम, ऑप्शन डी सही होगा। अगर मध्य परत पूछेगा तो मायोमेट्रियम होगा, अगर जो है बाहरी पूछता तो पेरीमेट्रियम होता, ठीक है। चौथा है, कहता है निम्न में से, देख लीजिए निम्न में से, निम्न दवाइयों में से कौन सी दवाई गर्भ अवस्था के समय होने वाले दौरे को रोकने के लिए किया जाता है। अब गर्भ के दौरान, ठीक है ना, गर्भ अवस्था में अगर दौरा पड़ता है किसी मरी महिला को, तो उस दौरा के लिए कौन सी दवाइयां हैं, तो मैग्नीशियम सल्फेट जो है यह दौरा को रोकता है इस समय, ठीक है। पाँचवा है, प्रसर्व के लिए सबसे उपयुक्त पेरू कौन सा होता है, पेरू मतलब पेल्विक, जिसे हम लोग पेल्विस होता है, जिसे हम लोग श्रोणि भी कहते हैं और आम भाषा में पेरू कहते हैं, नहीं देखते हैं गांव देहात में, कहता है पेरू दर्द कर रहा है, तो पेरू के मतलब वही पेल्विस होता है। तो यह जो प्रसर्व के लिए, मतलब लेबर के लिए जो सबसे अच्छा पेल्विस माना जाता है, जिसमें ज़्यादा कष्ट नहीं होता है, उसे जो है हम लोग किसमें मानते हैं, गायनकॉइड पेल्विस को, ठीक है। ये सब जो है आपके पेल्विस का ही प्रकार है, ठीक है, ये चारों पेल्विस का प्रकार है, लेकिन सबसे बढ़िया गायनकॉइड पेल्विस होता है। पुरुषों में पूछेगा तो एंड्रॉयड पेल्विस होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। छठा है, कहता है प्रस्तुति के संकटावस्था ऑब्स्ट्रक्टियल इमरजेंसी का उदाहरण क्या है, मतलब प्रस्तुति में संकट अवस्था का उदाहरण कौन सा है, गर्भ अवस्था में एनेमिया, गर्भाशय का फटना, मॉर्निंग सिकनेस, गर्भ अवस्था शोथ, मतलब ओडिमा इन प्रेगनेंसी। तो देखिए ये सब इमरजेंसी पूछ रहा है, तो जैसे ही गर्भाशय फट जाता है तो वह इमरजेंसी कंडीशन बन जाता है, लेकिन चूँकि गर्भ के कंडीशन में एनेमिया होता ही है जो कि एक आम है, मॉर्निंग सिकनेस भी होता है यह भी आम है, और शरीर में सूजन होता है यह भी आम है, लेकिन यूट्रस का फट जाना, रेप्चर हो जाना यह आम नहीं है, यह इमरजेंसी है, ठीक है। सात नंबर का है, प्रसर्व के बाद पहले 6 हफ्ते के समय को क्या कहते हैं। माय डियर, जब किसी को लेबर हो गया, बच्चे को जन्म कोई महिला दे दी, तो जन्म के बाद 6 सप्ताह तक के समय को क्या कहा जाता है, एंटीनेंटल। एंटीनेंटल तो प्रसर्व से पहले का काल होता है, गलत हो जाएगा। लेबर जो बच्चे के जन्म लेने के दौरान होता है, तो यह भी गलत हो जाएगा, ठीक है। इंट्रापार्टम, इंट्रापार्टम मतलब होता है लेबर के दौरान, जब चल रहा होता है लेबर उस दौरान, ठीक है। प्यूरी पेरियम होता है सुतिका अवस्था, या इसी को प्रसवो उपरांत कहते हैं। तो प्यूरी पेरियम को हम लोग जब लेबर के बाद, बच्चे के जन्म के बाद 6 सप्ताह तक जो समय होता है वह प्यूरी पेरियम होता है, इसे सुतिका अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। आठवां है, महिला दिवस, महिला दिवस कब मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ये सब पूछता है। चड्ढा समिति का गठन कब हुआ था, तो चड्ढा समिति हेल्थ के सेक्टर में बहुत अच्छा काम किया, तो यह 1963 जो है राइट आंसर होगा, चड्ढा समिति, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बाल विवाह अधिनियम कब लागू हुआ, तो माय डियर बाल विवाह अधिनियम 1954 गलत, 55 गलत, ठीक है, यह 1978 भी गलत है, 1929 राइट आंसर है, बाल विवाह अधिनियम, याद रखिएगा।
11 है, डॉट्स थेरेपी के लिए क्या दिया जाता है? मलेरिया, मधुमेह, क्षय रोग, उच्च रक्तचाप। तो डॉट्स थेरेपी टीबी के लिए दिया जाता है, या डॉट्स प्लस कहे तो वह भी टीबी के लिए ही होता है। डॉट्स का फुल फॉर्म पूछे तो आप लोग कमेंट करके बताइए डॉट्स का फुल फॉर्म क्या होता है। 12 है, राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो कैंसर के लिए जो प्रोग्राम शुरू किया गया कैंसर के नियंत्रण के लिए, वह 1975 में शुरू किया गया, यही राइट आंसर है, ठीक है। 13 नंबर का है, कहता है, देख लीजिए, कार्य क्षमता तथा योग्यता का बढ़ना क्या कहलाता है? माय डियर, कार्य क्षमता पावर और एलिजिबिलिटी मतलब योग्यता का बढ़ना, वृद्धि, विकास, लंबाई, कोई नहीं। तो कार्य क्षमता और योग्यता आपको विकास को डिनोट करता है, जबकि शरीर का लंबाई चौड़ाई बढ़ना वृद्धि को बताता है, ठीक है। चलिए 14 है, बच्चा अकेले चलना कब शुरू करता है? कोई बच्चा जन्म लिया तो जन्म लेने के कितने दिन के बाद वह बच्चा जो है खुद से चलना शुरू करता है अकेला? 10 माह, 15 माह, 21 माह, 24 माह। तो लगभग जो है 15 माह में बच्चे अकेला शुरू चलना शुरू कर देता है। एक साल से लेकर 15 माह तक बच्चा अकेला चलना शुरू कर देता है, ओके। 15 है, वृद्धि में रुकावट किसके कारण होता है? वृद्धि में रुकावट मतलब ग्रोथ में रुकावट किसके कारण होता है? क्वास्कियोर, मरास्मस, कुपोषण, कोई नहीं। तो आपको पता है कुपोषण में मरास्मस और क्वास्कियोर दोनों रोग होता है, और यह कुपोषण के कमी के कारण होता है, तो इसलिए कुपोषण राइट आंसर होगा, जो कि वृद्धि में का कारण बनता है, वृद्धि रुकने का। MTP चिकित्सीय गर्भ समापन, MTP यही होता है, ठीक है ना, MTP यही होता है, MTP ये जो है, यह क्या होता है, जो गर्भ का समापन करवाता है। यह एक्ट कब जो है लागू हुआ, जिसके तहत 1971 में आया, और जिसके तहत कहा गया कि कोई भी अगर जो है गलत काम करेगा, और कोई भी जो है, चाहे वो कोई डॉक्टर हो, स्त्री रोग का डॉक्टर हो, चाहे कोई आम नागरिक हो, अगर वह अपने मन से बिना किसी के पूछे, जांच के, बिना किसी जोखिम के, अगर वह अपने जो है MTP करवाता है, या यूँ कहा जाए एवर्सन करवाता है, तो वह गैर कानूनी होगा, और इसके लिए कानून बना, जो कि 1971 में आया, MTP एक्ट। 17 है, डिप्थीरिया रोग का कारण क्या है? डिप्थीरिया रोग का कारण जो है एस्ट्रेप्टोकोकस गलत, रूबेला गलत, डिप्थीरियाए बैसिलस, ठीक है, और उसके बाद है आपका पर्टुसिस बैसिलस। तो डिप्थीरियाए बैसिलस जो है आपके राइट आंसर होते हैं डिप्थीरिया के लिए। पर्टुसिस बैसिलस जो होता है, यह पर्टुसिस के लिए होता है, काली खांसी के लिए, ओके। शुद्ध पानी का उपलब्ध होता है, शुद्ध पानी कहाँ से उपलब्ध होता है इनमें से? तो गहरे कुएं से, सही बात है, उथले कुएं से गलत, झरने से गलत, नदी से गलत, गहरे कुएं से आपके शुद्ध पानी मिलता है, बातें सही है। 19 नंबर है, सिक परीक्षण पता लगाने के लिए किया जाता है, सिक टेस्ट जो होता है यह किसके पता लगाने के लिए किया जाता है? मम्स, खसरा, डिप्थीरिया, इन्फ्लुएंजा। तो डिप्थीरिया के द्वारा जो है यह सिक टेस्ट किया जाता है, ताकि डिप्थीरिया का पता चल सके, ओके। 20 है, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है? अनुवांशिक, भावनात्मक, मनोरंजन के साधनों में कमी, उपरोक्त सभी। तो इनमें से सभी है जिसके कारण मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है, ठीक है। आगे चलिए, 21 नंबर है, याददाश्त के खोने को क्या कहते हैं? तो याददाश्त को खोने को डिलेरियम गलत, एमनेसिया सही, इंसोमेनिया या नींद का प्रॉब्लम है गलत, इकोलेलिया होता है जो दूसरे के शब्दों को अनुकरण करता है, कोई अगर क बोल दिया तो अभी क बोले, कोई ख बोला तो अभी ख बोले, मतलब उसका नकल करते हैं शब्दों का, तो वह इकोलेलिया होता है, ठीक है। इंसोमनिया होता है नींद का प्रॉब्लम होता है, एमनेसिया याददाश्तों में कमी होता है, और डिलेरियम जो होता है यह आपके मानसिक मन का रोग है, ठीक है, तो याद रखिएगा। 22 है, सिजोफ्रेनिया एक विकार है, गंभीर विकार है, किसका? मन का, ठीक है, मस्तिष्क का, ओके। मेरुराज्जू का, हृदय का, तो ब्रेन का, मस्तिष्क यानी जो है आपके मस्तिष्क का आपका जो है क्या होगा, मैं यहाँ पे बताता हूँ, सिजोफ्रेनिया ब्रेन मस्तिष्क का एक बहुत बड़ा गंभीर बीमारी है, ठीक है। 23 नंबर है, 18 गौज के केनुला का कलर कोड क्या है? अब देखिए, आपसे एग्ज़ाम में पूछता है
चूँकि आप ANM के कैंडिडेट है तो आपको कैनुला के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। 18 गॉज के जो कैनुला होता है वह किस रंग का होता है, गुलाबी, हरा, नारंगी, नीला। तो जो 18 वाला होता है यह होता है हरा, ठीक है। उसके बाद बात किया जाए 20 नंबर वाला जो होता है वह होता है आपका नीला, ठीक है, नीला। तो यही जो है आपके होते हैं। और जो सबसे ज़्यादा जो करता है, सबसे जो जिसका नंबर कम होगा वह सबसे ज़्यादा जो है आपको फ्लूड को निकालता है, ठीक है, याद रखिएगा। 24 है पदार्थ जो बैक्टीरिया को वृद्धि को रोकता है, कौन सा, एंटीडॉट, एंटासिड, एस्ट्रीजेंट, एंटीसेप्टिक। तो एंटीसेप्टिक घोल जो होता है यह बैक्टीरिया के वृद्धि को रोकता है, ठीक है, जैसे घाव वगैरह को साफ करने में एंटीसेप्टिक घोल का इस्तेमाल किया जाता है। 100.4, ठीक है, 100.4 डिग्री फारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है, 38 डिग्री सेंटीग्रेड के। आप लोग इसको निकालिएगा फार्मूला के तहत, ठीक है, पता चलेगा। 26 है, कहता है प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा उत्पादित, ठीक है, वाई आकार की प्रोटीन है, ठीक है, वाई आकार के प्रोटीन कौन सा है, प्रतिपिंड है, ठीक है, याद रखिएगा, जो कि प्लाज्मा द्वारा उत्पादित होता है उसे प्रतिपिंड कहते हैं। 27 है मूत्राशय के मूत्र के बाहर त्यागना क्या कहलाता है, देखिए नियम, मूत्राशय से मूत्र का बाहर त्यागना कहलाता है एनुरेसिस, ठीक है, डेफिकेशन, म्यूक्चुरेशन, ठीक है ना, एलिमिनेशन। तो मूत्राशय से मूत्र त्यागने को हम लोग म्यूक्चुरेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपका एनुरेसिस होता है जो मूत्र न त्यागने को कहते हैं, ठीक है। अब है यहाँ पे 27 नंबर है आपके, 26 नंबर 27 हो चुका, ठीक है ना, 28 नंबर होगा यहाँ पे, सॉरी टाइपिंग गलत है, 28 नंबर होगा प्लेग का इनक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। प्लेग हमारा एक बीमारी है, ठीक है, संक्रमण है, और यह इनका इसका उद्भवन अवधि कितना होता है, तो उद्भवन अवधि इसका 1 से 7 दिन होता है प्लेग का, याद रखिएगा। आपसे इनक्यूबेशन पीरियड भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे फिर से टाइपिंग यहाँ पे गड़बड़ हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। एलोपेशिया का अर्थ होता है डेंड्रफ इन हेयर, ग्रोइंग इन हेयर, लॉस ऑफ हेयर, एब्सेंस ऑफ हेयर। तो एलोपेशिया का मतलब होता है माय डियर लॉस ऑफ हेयर, लॉस ऑफ हेयर, ठीक है। और आखिरी मेरा 30 नंबर का क्वेश्चन है, समान दृष्टि मतलब नॉर्मल विजन कितना होता है किसी व्यक्ति में। तो समान दृष्टि जो होता है वह 6/6 का माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक है। प्रश्न है तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरॉन सिस्टम की संरचना और क्रियात्मक इकाई कौन सी है, मतलब न्यूरॉन के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन होता है, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, साइनेप्स, एक्जॉन। तो आपको पता होना चाहिए न्यूरॉन जो है यह तंत्रिका तंत्र के क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है, नेफ्रॉन जो है किडनी का है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है दूसरा है, कहता है पीयूष ग्रंथि की अति सक्रियता से क्या होता है, ड्वार्फिज्म, ठीक है, जिजांटिज्म और क्यूसिंग सिंड्रोम और क्रेटिनिज्म। माय डियर ध्यान में दीजिएगा, तो पीयूष ग्रंथि की अति सक्रियता होने पर जो GH हार्मोन होता है, ग्रोथ हार्मोन, यह ज़्यादा जो है हाइपर होने लगता है, जिसके फलस्वरूप जिजांटिज्म होता है, क्या होता है, जिजांटिज्म होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये बात किया जाए कुशिंग सिंड्रोम का, तो यह जो है हाइपर सिक्रेशन होने के कारण जब आपके एड्रिनल ग्लैंड से कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन का ज़्यादा सिक्रेशन होने लगता है तो फिर कुशिंग सिंड्रोम होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है तीसरा है, कहता है निम्न में से अतिरिक्त सभी माइक्रोब्स की वृद्धि को प्रारंभ करते हैं, मतलब इनमें से कौन है जो निम्न के अतिरिक्त सभी माइक्रोब्स की वृद्धि को प्रभावित करता है। तो टेम्परेचर, मॉइस्चर, डिसइन्फेक्शन, डार्कनेस। तो इसमें सब में जो है बढ़ाता है जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसके वृद्धि को, ये सब बढ़ाएगा, लेकिन डिसइन्फेक्शन क्या करता है, नष्ट करता है, ठीक है।
चौथा है प्रतिवर्ती क्रिया का संबंध किस भाग से, यानी रिफ्लेक्स इनमें कौन सा भाग जो है बॉडी का करता है, मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड, बोथ ए बी दोनों और मसल्स। तो आपको पता होना चाहिए जो रिफ्लेक्स होता है वह स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। पाँचवा है आप स्पाइनल कॉर्ड के जरिए ही ना आप इधर से उधर आराम से घूम लेते हैं, तो यही चीज़ होता है। पाँचवा है इंसुलिन के कम स्राव होने से क्या होता है, क्रेंटिज्म, ग्वाइटर, ठीक है। आगे है डायबिटीज और जिजांटिज्म, ठीक है, जिजांटिज्म अभी देखे हैं। जबकि इंसुलिन के कम स्रावित होने से क्या होता है, तो कम स्रावित होने से जो है आपको क्या होता है यहाँ पे डायबिटीज होता है, ओके समझ गए। चलिए छठा प्रश्न कहता है ऊंचाई पर रहने पर आरबीसी, रक्त में आरबीसी क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, आकार में बढ़ती है, आकार में घटती है। तो माय डियर ऊंचाई पर रहने पर आरबीसी बढ़ती है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है निम्न में से कौन सा जो है लर्निंग का एक मुख्य थर्नडाइक नियम है, तो लर्निंग का इनमें से सीखने के नियम में थर्नडाइक का नियम कौन सा है, उपयोग का नियम, अभ्यास का नियम, संतुष्टि का नियम। तो आपको पता होना चाहिए अभ्यास का नियम या साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, थर्नडाइक का अभ्यास का नियम जो है बार बार करके किसी चीज़ को सीखने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। आठवां है निम्न में से कौन सा स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है, इनमें से कौन सा स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण है, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, तनाव रहने में सक्षम और उपरोक्त में से सभी। तो उपरोक्त में से सभी जो है एक व्यक्ति को लक्षण है जो स्वस्थ रहते हैं, उसमें मैच्योरिटी भी होता है, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास भी रहता है, और तनाव में रहते हुए भी वह जो है परिस्थिति से सामना करता है, तो उसमें सभी पाया जाता है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे आगे होता है नौमा है, कहता है वर्ग व वर्ग संघर्ष की अवधारणा निम्न द्वारा दी गई, वर्ग व वर्ग की संघर्ष की अवधारणा किनके द्वारा दी गई, वर्ग व वर्ग, वर्ग मतलब समझते हैं जाति, कम्युनिटी, ठीक है, इनके संघर्ष की अवधारणा किनके द्वारा, बेबर, कार्ल मार्क्स, ठीक है, एस्पेंस और मैक्लेवर। तो कार्ल मार्क्स जो है यह वर्ग व वर्ग के संघर्ष की अवधारणा दिया, यह भी जो है आपके साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे है भारतीय ग्रामीण समाज का मुख्य व्यवसाय क्या, आपको पता है मजदूरी, कृषि कार्य, पशुपालन, मिट्टी के बर्तन बनाना। तो कृषि कार्य जो है ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे मुख्य व्यवसाय यही होता है। 11 की बात किया जाए, निम्न में से संस्कृति की विशेषता क्या है, मानव द्वारा निर्मित है, बिल्कुल सही है, संस्कृति मानव द्वारा निर्मित होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता है, यह भी सही है, सामाजिकता यह भी है, और उपरोक्त में से सभी। अब मानिए आप अपने कल्चर को आगे आप नहीं बढ़ाइएगा तो पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलेगा, ठीक है। अगर आप कल्चर को नहीं मानिएगा तो कल्चर आपका ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए यह मानव निर्मित है, ठीक है, यह समाज में जो है सामाजिकता बनाता है, तो इसलिए सभी जो है आपके संस्कृति के लिए सही है, ठीक है। आगे देखिए 12 है परीक्षा में विफल रहने पर एक छात्र यह कहता है कि मैं तो पास होना ही नहीं चाहता था, यह उदाहरण है सब्लिमेशन का, ठीक है, प्रोजेक्शन का, प्रक्षेपण का, रेशनलाइजेशन युक्तिकरण, और खंडन मतलब डेनियल का। तो माय डियर 12 नंबर में है क्वेश्चन, समझिएगा ए आपके साइकोलॉजी का ही है, ठीक है। यहाँ पे क्या कहता है, एक चीज़ आप यहाँ पे समझिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, ठीक है, ये चीज़ को आप लोग समझिए। कहता है माय डियर यहाँ पे कि कोई स्टूडेंट है, वो एग्ज़ाम दिया लेकिन एग्ज़ाम में फेल हो गया, तो फेल हो गया तो बहाना क्या बना रहा है बाद में कि मैं तो एग्ज़ाम जो है पास होना ही नहीं चाहता था, मैं तो ऐसे ही दे दिया, फेल कर गए तो अच्छी बात है, हम तो एग्ज़ाम में पास होना ही नहीं चाहते थे। मतलब क्या कि वह अपने आप को संतावना दे रहा है, कोई स्टूडेंट चाहता है कि हम परीक्षा में फेल हो जाएँ और वह इसलिए एग्ज़ाम देता है कि हम फेल हो जाएँ, और फेल होने के बाद वह कहता है कि हाँ हम तो चाहते थे कि हम फेले हो जाए लेकिन हम एग्ज़ाम जो है ऐसे ही दे दिए, ऐसा कोई चाहता है, नहीं चाहता है, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई ऐसा अगर बोल रहा है तो समझिए कि जो स्टूडेंट है वह क्या है, वह अपना जो है क्या कर रहा है, रेशनलाइजेशन कर रहा है, मतलब अपना बचाव कर रहा है, क्या चीज़, टेंशन मुक्ति ना हो इसके लिए वह ऐसा बात कर रहा है, टेंशन ना हो इसीलिए अपने आप को जो है बचा रहा है, ठीक है। कोल्ड स्पॉन्जिंग के पानी का तापमान होना चाहिए, कोल्ड स्पॉन्जिंग में जो पानी का तापमान होना चाहिए कितना होना चाहिए, 90 फ़ारेनहाइट, 105 फ़ारेनहाइट, 70 फ़ारेनहाइट, 60 फ़ारेनहाइट। तो आपको पता है 70 फ़ारेनहाइट जो है कोल्ड स्पॉन्जिंग में पानी का तापमान होना चाहिए, इतना तापमान पर जो है किसी को शरीर को पोंछना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए
आगे है 14 है, कहता है समान अवस्था में टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, 600, 300, 1500। तो समान अवस्था में कितना होता है, 500 ml होता है, ठीक है। नॉर्मल अवस्था में जो टाइडल जो वॉल्यूम होता है वह 500 ml होता है, याद रखने को, ठीक है। 15 है, कहता है सिग्मोइडोस्कोपी परीक्षण के दौरान मरीज को निम्न पोजिशन दी जाती है। अगर किसी को सिग्मोइडोस्कोपी किया जाता है तो उस एग्जामिनेशन में कौन सी पोजीशन स्थिति दी जाती है, साइड लाइंग, नी चेस्ट, ठीक है, सुपाइन प्रोन। तो नी चेस्ट पोजीशन जो है सिग्मोइड एस्कोपी में दिया जाता है, याद रखिएगा। 16 है, प्री वैजिनल परीक्षण के दौरान मरीज को निम्न पोजीशन दी जाती है, मतलब वैजिनल चेक के लिए कौन सा जो है देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए महिलाओं में ज़्यादातर जो बीमारी है उसके चेक के लिए लिथोटोमी पोजीशन जो है दिया जाता है। आगे देखिए 17 है, एक वयस्क के शरीर का तापमान कितना होता है, आपको पता है 98.6 डिग्री फारेनहाइट। 18 है, कहता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए यानी जो ब्लड को चढ़ाना हो उस ब्लड को कितने जो है डिग्री पर सेंटीग्रेड पर स्टोरेज करके रखते हैं। तो इसके लिए जो है जो ब्लड को चढ़ाना हो उसके लिए बेहद कम तापमान 2 से लेकर 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है ब्लड को स्टोर करके रखा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 19वां है, ICDS स्कीम के तहत निम्न कार्यकर्ता कार्य करते हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ICD के फुल फॉर्म होता है, ठीक है। ANM काम करता है इसके अंदर में, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता काम करता है, सेनेटरी इंस्पेक्टर या LHB, तो आपको पता है इसके तहत आंगनवाड़ी वर्कर जो है काम अपना करती है। 20 नंबर का है, कहता है बीमारी होने से पूर्व किए गए रोकथाम के उपाय क्या कहलाते हैं, यानी बीमारी होने से पहले ही अगर हम कोई रोकथाम करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग प्राथमिक जो है रोकथाम कहते हैं, प्राइमरी कहते हैं। ओके, धन्यवाद।